हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम कवर करने जा रहे हैं जीएस की इस मॉर्निंग डोज सीरीज़ में बहुत सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए नए हैं और आप कितना बेहतर कर पाते हो। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारे चैनल पर कभी भी किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ आप उसको स्किप मत करिएगा, आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है, और ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, किसने योगदान नहीं दिया है इसके बारे में बताना दोस्तों। तो आपको पता है कुतुब मीनार का निर्माण कराना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जब लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती 1210 में, तो उसके बाद इसका निर्माण कराने का जिम्मा किसके पास आ जाता है, इल्तुतमिश को आ जाता है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने उसके ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाया। और यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी नाम दे रहा है, इनका कोई भी योगदान नहीं था किसके, कुतुब मीनार के निर्माण कराने में। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने अपनी बादशाहत को निम्न में से किस कारण से सर्वोच्च के रूप में स्थापित किया। तो बलबन जो है ये गुलाम वंश का जो है शासक था। ठीक है, गुलाम वंश जो कि 1206 से लेकर के 1290 तक दोस्तों चला है। ठीक है, याद रखिए, बलबन ने अपनी बादशाहत को जो है स्थापित किया था। और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस रूप में स्थापित किया था, तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कि किसी भी प्रकार के विद्रोह की संभावनाओं को रोकने के लिए अपने आप को इतना बेहतर बना के रखा था या इतना सर्वोच्च स्थापित किया था। ठीक है, आगे, सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था, आपको बताना है शाही सचिवालय का प्रधान क्या कहलाता था। तो याद रखिए दोस्तों, इनको बोला जाता था दबीर ए मुमालिक। क्या बोलते थे, दबीर ए मुमालिक। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का सामंत नहीं था, नाम है आईने उल्क मुल्क मुल्तानी, जफर खान, नुसरत खान या मुनीम खान। तो याद रखिए दोस्तों, मुनीम खान, ये आपको पीछे भी पढ़ाया जा चुका है कि मुनीम खान जो है ये अलाउद्दीन का कोई भी सामंत नहीं था। बाकी का जो तीन नाम दे रहा दोस्तों, आईने उल मुल्तानी ये भी था, जफर खां भी था और नुसरत खां भी था। ठीक है, याद रखिए चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे है, लोदी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहाँ देखने को मिलता है। तो ये आपके जो है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, पीसीएस के एग्जाम में, मोट की मस्जिद दोस्तों, ये मोदी स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। और लोदी जो साम्राज्य था, ठीक है, यानी लोदी सल्तनत जो थी, ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी हिस्सा था। ठीक है, वहाँ पर कुल 5 लोगों ने राज किया, गुलाम वंश चला, खिलजी वंश चला, ठीक है, तुगलक वंश चला, सैयद वंश चला और लास्ट में आपका लोदी वंश चला। लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा बरनी किसके शासनकाल में आया था, तो बरनी दोस्तों किसके शासनकाल में आया था आपको बताना है। तो ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बरनी था। ठीक है, मोहम्मद तुगलक वही व्यक्ति है दोस्तों जिसने सब कुछ अच्छा करना चाहता था बट कुछ अच्छा नहीं कर पाता था। ठीक है, और इसी के नाम पर जो है जौनपुर की स्थापना हुई है, क्योंकि जौना खां इसी का बचपन का नाम था और फिरोज शाह तुगलक ने इन्हीं के नाम पर जो है जौनपुर की स्थापना करवाया था। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहते हैं, तो मोहम्मद तुगलक याद रखेगा। और एक चीज़ और मोहम्मद तुगलक के बारे में, सांकेतिक मुद्रा वाली बात सबसे ज़रूरी है, वही याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए, किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा था, तो उनका नाम है आर पी त्रिपाठी। एक महान इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने इल्तुतमिश को जो है वास्तविक संस्थापक माना था गुलाम वंश का। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेगा। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध कहाँ पर किया था, तो ये दोस्तों कड़ा में किया था। कड़ा आपके प्रतापगढ़ के पास पड़ता है, कड़ा, ठीक है, कड़ा में वाकई में एक धाम है। ठीक है, हिंदू के लिए बहुत ही मान्यता है कड़ा का, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन जगह है और माता शीतला का वहाँ पर धाम है। ठीक है, याद रखिएगा कड़ा, क्योंकि वहाँ पर माता सती, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनके शरीर को सुदर्शन चक्र से जब भगवान विष्णु ने काटा था तो वहाँ पर उनका कड़ा आके गिरा था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है, कड़ा धाम। तो उसी के पास जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कैसी है, तो दोस्तों देवाकृति जो भी है चतुर्भुज है। कैसी है, चतुर्भुज है, याद रखिएगा, यहाँ पे अष्टभुज मत करिएगा, चतुर्भुज देवाकृतियाँ हैं। आगे है, जहांगीर महल किस किले में स्थित है, तो दोस्तों जो आगरा का लाल किला है, ठीक है, लाल किला सही है बट ये लाल किले में ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि कहाँ, आगरा या दिल्ली, इस वजह से दोस्तों यहाँ आगरा का किला बोलिएगा। आगरा का में जो लाल किला है, ठीक है, वहाँ पर जहांगीरी महल भी स्थित है जिसको अकबर ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था, अकबर ने।
चलिए आगे देखिए, करा किस मुगल शासक ने निसार नाम के सिक्के चलाए थे? तो दोस्तों निसार नामक सिक्के जो है जहांगीर ने चलाए थे। अच्छा, बाबर ने भी एक चलाया था सिक्का, उनके सिक्के का नाम था शाहरुख। क्या नाम था? शाहरुख। तो यहाँ पे जहांगीर याद रखे फिलहाल निसार के मामले में। आगे जो चित्रकला का शत्रु को हमारा भी शत्रु ये किस मुगल बादशाह ने कहा था? तो दोस्तों फिलहाल तो ये कथन जो है जहांगीर का था, याद रखे, क्योंकि जहांगीर चित्रकला में इतना माहिर व्यक्ति था कि वो जो है उसके समय में चित्रकला को सबसे उन्नत रूप में देखा जाता था, और अपने मतलब इसके ज़माने में चित्रकला सबसे बेहतरीन किसके समय में थी? तो जहांगीर के समय में। स्थापत्य कला किसके समय में सबसे बेहतरीन थी? तो शाहजहां के समय में। ठीक है, तो अलग अलग समय है, तो यहाँ पे जहांगीर याद रखेगा। इसके अलावा हुमायूं का भी थोड़ा सा रोल था चित्रकला में, ठीक है, ये भी याद रखेगा। आगे, एक मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? बताइए, बाबुल का मक्का किसको बोलते थे? तो दोस्तों सूरत को, गुजरात में पड़ता सूरत को, सूरत बंदरगाह को बाबुल का मक्का बोलते थे, क्योंकि जिन लोगों को मक्का की यात्रा करने जाना होता था वो सूरत से होकर ही जाते थे, इसलिए इसको बाबुल का मक्का कहा गया। आगे है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? तो 1828 में जो है कानून बनाने को लेकर बड़ा प्रयास किया राजा राममोहन राय जी ने, विलियम बेंटिक उस समय जो है गवर्नर जनरल थे, और इस तरह से 1829 में जो है इसको प्रतिबंधित किया गया। तो 28 नहीं दोस्तों, 28 में प्रयास जारी हुआ और 29 में जाकर कानून बनाकर इसको रोक दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया? अखंड भारत का संपादन, तो दोस्तों जय नारायण व्यास, उनका नाम क्या था? जय नारायण व्यास। व्यास याद रखें, जैसे व्यास जी ने लिखा है महाभारत की रचना किया है, उसी तरह से अखंड महाभारत या अखंड रामायण, अखंड भारत भी ऐसे याद रखे, व्यास। ठीक है, तो जय नारायण व्यास। आगे, भारत में प्रथम सहायक संधि किस रियासत ने किया था? पहला सहायक संधि किसने किया था? तो हैदराबाद के निज़ाम ने पहला सहायक संधि स्वीकार किया था, लॉर्ड वेलेजलिन जो शुरू किया था। ठीक है, और कब किया था? तो 1798 में किया था, ये भी याद रखे। दूसरे में जाया था मैसूर और तंजौर आ गए थे। आगे, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक, ये आपको बताना है। तो कह रहा बाबर, अकबर, मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी आया था, 1175 में सबसे पुराना ही है, बाकी इल्तुतमिश तो 1210 से 1236 तक शासन किया है, अकबर जो है ये 1556 से आएगा, ठीक है, और बाबर जो है 1526 से। तो याद रखें, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद गोरी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि महमूद गजनवी, गौरी से पहले ही गजनवी आया था, कह रहा है गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो दोस्तों याद रखिए, यामिनुद्दौला और अमीनुद्दौला, ये दोनों, यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ और मुसलमानों का संरक्षक, ये दोनों ही उपाधियाँ किसकी थी? आपकी महमूद गजनवी की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इल्तुतमिसी वह शासक था, सबसे पहले इसने समझा था, हालांकि समझने के मामले में ऐबक को छोड़ करके अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों ने समझा था इसके आर्थिक महत्व को। बट यहाँ पूछ रहा है कि सबसे पहले पहला सुल्तान बोला है, तो वहाँ पे पहला कौन हो जाएगा आपका? इल्तुतमिसी वो पहला व्यक्ति था जो इस महत्व को समझ पाया था। आगे, तौल की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है? तो आपको ये पता है कि रत्ती, आप लोग अगर सोने की दुकान से वाकिफ़ होंगे, ठीक है, तो उसके पास जाके पूछेंगे एक रत्ती दो रत्ती, ठीक है, तो रत्ती जो है ये तौल की यानी किसी भी चीज़ को मापने की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, तो तौलने की सबसे छोटी इकाई क्या रहेगी? रत्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो तो आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन बट अब हम ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए नए हैं और करने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बताइए, ज्योग्राफी के लिए भी कुछ क्वेश्चन दे दिया है, तो आपको बताना है कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पर और किसके कौन से उत्तर होंगे। तो कह रहा है न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी का नाम सुना होगा, पपुआ अलग है, न्यू गिनी अलग है। ठीक है, ये इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है उसके आगे बढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर देखेंगे तो पपुआ न्यू गिनी आपको मैप में मिलेगा। ठीक है, कह रहा है पपुआ न्यू गिनी में, खाली न्यू गिनी को बोला है, न्यू गिनी में पाए जाने वाले पुगमे किस नाम से जाना जाता है? पुगमे को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखें दोस्तों, इसको पैपुआ नाम से जानते हैं, पुगमे को किस नाम से जानते हैं? पैपुआ। ठीक है, याद रखें, करण निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? नील नदी बोले तो कहाँ पर? ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका में बहती है। ठीक है, पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है, और इसके साथ साथ याद रखिए ये जो है विक्टोरिया झील से निकलती है, ये भी याद रखिए। और कह रहा है कि इसके नदी घाटी के क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो उसका नाम है फेल्ला। क्या नाम है? फेल्ला। नील नदी की घाटी में कौन सी जनजाति निवास करती है? फेल्ला। ठीक है, याद रहेगा आपको फेल्ला।
चलिए आगे देखिए, करनीन में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है? सुगंधित रेजिन किससे निकलता है? तो याद रखिए दोस्तों, ये साल के वृक्ष से निकलता है, ठीक है। किससे? सुगंधित रेजिन जो है ये साल के वृक्ष से। ज़्यादातर लोग कोसा या सागौन टिक करते हैं, बट यहाँ राइट आंसर क्या है? साल है, याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था? तो रीवा में, मध्य प्रदेश में देखा गया था, और यही सफ़ेद बाघों का क्षेत्र भी माना जाता है पूरे विश्व में एक अकेला। आगे है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? नदियों का देश, तो दोस्तों बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों का देश, ठीक है। झीलों का देश जो है दोस्तों, ये आपको बोला जाता है फिनलैंड को। नहरों का देश बोला जाता है पाकिस्तान को, तो ये सब याद रखिए, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए, कौन सा यहाँ पर गलत है उसको इंगित कीजिए। तो चलिए देखते हैं, करा बैरा सियूल प्रोजेक्ट, ये हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल है, ठीक है। और दूसरा दे रहा है दोस्तों सोलाल, सलाल बगलिहार दुलहस्ती, ये परियोजनाएं हैं जम्मू कश्मीर में, सोलाल नहीं है, सलाल है। तीसरा है तानाकुर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। और चौथा दे रहा है कोयल कारू प्रोजेक्ट बिहार, गलत है दोस्तों, कोयल कारू बिहार में नहीं है, एक ज़माने में बिहार में था, बट अभी वह कहाँ पर है? झारखंड में है। ये कोयल कारू कहाँ पर है? ये झारखंड यहाँ पर है, याद रखिएगा। तो वैसे भी याद रखिएगा कि कोयला कहाँ पर है? झारखंड में, तो इससे आप याद कर सकते हो झारखंड में है, ठीक है। तो कोयल कारू दोस्तों ये जो बिहार दे रहा है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, झारखंड में स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया, ठीक। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पूछ रहा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वियना, वियना में है दोस्तों, ऑस्ट्रिया में, और इसकी स्थापना हुआ था 1957 में, ठीक है, 1957 में, याद रखिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ पर स्थित है? तो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ लगाए गए? आपके तमिलनाडु में लगाए गए हैं, ठीक है। तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म जो है स्थापित किया गया, अभी कहाँ पर? तो कन्याकुमारी के पास स्थापित किया गया, ठीक है, कन्याकुमारी के पास, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, विश्व की पहली नहर सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों ये गुजरात में आपकी स्टार्ट की गई थी, कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है, नर्मदा नहर पर स्थापित की गई है, ये विश्व की पहली सौर ऊर्जा परियोजना है, इसके बारे में करंट अफेयर्स में भी बता चुका हूँ। आगे, भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? ध्यान से समझिए, भारत ध्वज संहिता के प्रावधान को लागू करने की बात कर रहा है, तो इसके लिए दोस्तों भारत मानक ब्यूरो जो है ये आपको प्रभारी यहाँ पर बनाया गया, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, ये उल्टा लगी दे रहा है, ठीक है, ऐसे ही गलत कर दिया शौक करके। आगे देखिए, फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का एक उत्सव है, ठीक है, याद रखिएगा, और बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो पुलिकट जो झील है उसके पास मनाया जाता है, उसके पास एक बर्ड सेंचुरी, वहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पर आंध्रा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्न में से किसके स्वर्ण द्वार का, किसी स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर, एक मिनट, जैसे भारत का द्वार तो कहा जाता है मुंबई को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्वर्ण द्वार का नगर बोल रहे हैं दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, हाँ यही है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, स्टैटिक जीके वाले फोल्डर में आप जाके देख सकते हैं। स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को को, ठीक है, और भारत का द्वार कहा जाता है मुंबई को। अरे, किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपको ही पता है कि सबसे बड़ा जो है एशिया है, लेकिन यहाँ पर एक मिनट, कराए किसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी हिस्सा सबसे बड़ा है? मैदानी, अगर हम एशिया लेंगे, एशिया में पहाड़ी, रेगिस्तान, ये इन दोनों की मात्राओं की वजह से दोस्तों मैदानी वाला कम पड़ जाता है। यूरोप सबसे छोटा कोई मतलब नहीं है, एशिया हो सकता है, दक्षिण अमेरिका, इंडीज फॉरवर्ड स्टडी, बाकी कुछ नहीं, घास के मैदान ही मैदान है ढेर सारे, पंपास लानस फानस का वहीं पे है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा आ जाएगा, कनाडा साइड नहीं, पहाड़ियाँ उधर हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए दक्षिण अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि संपूर्ण क्षेत्रफल मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये आपका जो है दक्षिण अमेरिका होना चाहिए, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका, एशिया मत करेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग देखो जल्दीबाजी के चक्कर में एशिया टिक कर लेंगे, लेकिन वो नहीं पढ़ पाएंगे कि समस्त क्षेत्रफल में मैदानी क्षेत्रों की प्रतिशतता को अधिक पूछ रहा था। आगे है, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रेशमी वस्त्रों का दोस्तों कर्नाटक है, रेशम की बात जब भी आएगी तुरंत उत्तर कहाँ पहुँचे जाएगा? कर्नाटक में, ठीक है। आगे, भारत का परमाणु सामुद्रिक
पार्क कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपके कच्छ के रण के पास है, कच्छ का रण गुजरात, ठीक है, सामुद्रिक पार्क, राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क। आगे भारत की जलवायु कैसी है बताइए, तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटा हुआ है? बाघा बॉर्डर तो आपको पता है कि अमृतसर के पास पड़ता है बाघा बॉर्डर, और जो है पाकिस्तान के पास है, तो रेड क्लिफ लाइन से सटा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ है। आगे बढ़िए, बर्फ का विशाल क्षेत्र जो धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे पिघल कर खिसक ता रहता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका नाम देते हैं धुंध। क्या नाम देते हैं? धुंध। अच्छा देखिए, देखिए जो बर्फ़ होता है उसको ग्लेशियर बोलते हैं, आइसबर्ग एक अलग ही चीज़ है, ठीक है, और तूफान से कोई मतलब नहीं है, धुंध, ठीक है, जो रिस रिस के निकल रहा है, ठीक है, उसको धुंध नाम दिया जाता है, ठीक है, धुंध झूठी गलत कर देता है यार। चलिए आगे देखिए, करे विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? सबसे विश्वासघाती तो चाइना में बहती दोस्तों हवांगहो नदी, ठीक है, इसको कहा जाता है। जबकि अगर भारत में बात करेंगे दोस्तों तो हुगली नदी है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, इसको जो है भारत की सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। इसके अलावा बिहार की कोसी नदी को भी विश्वासघाती नदी की संज्ञा दिया जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए और आज के लिए ज्योग्राफी का आखिरी क्वेश्चन कि कौन से महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है ये आपको बताना है। तो याद रखिए दोस्तों, प्रशांत महासागर की जो आकृति है ये त्रिभुजाकार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुजाकार है, ठीक है। इसके अलावा हिंद महासागर की आकृति देखेंगे तो उसकी यम के समान है, आर्कटिक का देखेंगे तो डी के समान है, और अटलांटिक का देखेंगे तो यस के समान। तो सबका याद रखिए, हिंद महासागर की आकृति यम के समान है, आर्कटिक का डी के समान है, ठीक है, अटलांटिक का यस के समान है, और प्रशांत महासागर क्या हो जाएगा आपका? त्रिभुज के समान है। तो इन सभी को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जो ये समाप्त होता है, तो आगे देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। चलिए जरा इसका जवाब देकर बताइए कि 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद जो है प्रदान किया गया था? कौन सा पद नेहरू को दिया गया था, ठीक है? तो अंतरिम सरकार की बात करो, अभी 1946 की बात करें, ये बात को समझ करके दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए, तो इसमें दोस्तों नेहरू को जो है उपराष्ट्रपति का पद जो है प्रदान किया गया था। ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए दोस्तों तो ज़्यादातर लोग गलत ही करने वाले हैं, बट आप सही करिएगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद। आगे, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? वही ग्राम पंचायतों की स्थापना था, बट एक सेकंड एक और दे दिया दोस्तों, आय की असमानताओं को कम से कम करना, ये भी जो है आपका समाजवादी माना जाएगा। अगर ये चौथा वाला ऑप्शन नहीं रहता दोस्तों तो अब यहाँ पर आप कौन सा टिक कर सकते थे? ग्राम पंचायतों की स्थापना, ठीक है, बट यहाँ पर अभी आप यही टिक करिए क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर आंसर है, ठीक है, ये मेरे साथ एक दो बार गलत भी हो चुका है। आगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, विदेशियों के लिए नहीं उपलब्ध हैं, ये आपको बताना है, ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। पहला दोस्तों कि वाक और अभ्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, पहला वाला ही दोस्तों ऐसा है जो विदेशियों के लिए नहीं, मतलब विदेशी अपने अभ्यक्तियों की स्वतंत्रता जो है हर जगह नहीं दिखा सकते कि कहीं भी आके मंच लगा के कुछ भी भाषण देना चालू कर दिया, ये अधिकार उनको नहीं है। तो पहला बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी पहला राइट आंसर है। दूसरा है विधि के समक्ष समानता और विधियों में समान संरक्षण, ठीक है, तो ये दोनों लोगों को मिला है, चाहे हमारे यहाँ का नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, सभी को मिलेगा। और तीसरा दे रहा है कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, तो पढ़ने का अधिकार भी सभी को है। चौथा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, तो ये चौथा वाला भी दोस्तों, ये विदेशियों को वंचित रखा जाएगा इससे। तो यहाँ पर जो है दो हो गए, ठीक है, दो हो गए जिसके लिए जो है उनको अनुचित रखा जाता, तो वंचित रखा जाता, तो एक और चार राइट आंसर हो जाएंगे। आगे, राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है इसके बारे में बताइए, ठीक है। पहला वाला दे रहा दोस्तों कि यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच कर सकता है। हाँ, राज्य मानवाधिकार आयोग अगर है तो सिर्फ जो है राज्य की सूची के विषय में जाँच करे, और समवर्ती सूची में क्योंकि केंद्र राज्य दोनों होते हैं तो जहाँ जहाँ राज्य की भूमिका होगी वहाँ वहाँ जाँच कर सकता है, ठीक है, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, यह मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में स्व प्रेरणा से पूछताछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? अरे राज्य मानवाधिकार इसीलिए तो बनाया गया कि वह जो है अपने मन से स्व प्रेरणा से पूछताछ करे। अगर ऐसा ना होता तो फिर जब अदालतें पर जाना था, जब कोर्ट में ही जाना है, तो इस आयोग को बनाने की ज़रूरत क्या है? मतलब कि दूसरा वाला तो एकदम गलत आंसर है, पहला वाला दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, तो केवल एक कर लीजिए, ठीक है, पढ़ा करिए, खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा उत्तर सही है कौन सा नहीं सही है, खुद ही पता चल जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कौन सा सही है बता दीजिए, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कराइए भाई विचार।
पहला दे रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमतों से पारित होना चाहिए। जाहिर सी बात है यार, तभी तो, अगर 2/3 बहुमत से पारित होगा तभी तो ये होगा कि भाई यहाँ संविधान में संशोधन जरूरी था, अदरवाइज क्या मतलब करने का। तो पहला तो सही है। दूसरा है कि इस प्रकार के विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण उत्पन्न होने वाले गतिरोध का हर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा निकाला आना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो मुझे लगता है कि 2 वाला उतना सही नहीं है, बट सही हो भी सकता है। क्यों? अनुच्छेद 108 जो है वो संयुक्त बैठक का प्रावधान तो करता है, लेकिन हाँ, लेकिन अगर ऐसा गतिरोध वाला मामला है तब नहीं। ठीक है, चलिए तो फिर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर केवल एक ही सही होना चाहिए। ठीक है, ये एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो वो तो अनुच्छेद 32 को लेकर के खुशते हैं। किसको? अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार, जहाँ से 5 तरह के रिट हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन से कौन से निर्देशक संविधान के भाग 4 से बाहर हैं? भाग 4 में क्या दिया गया दोस्तों? तो इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किया गया, कर उससे बाहर कौन से हैं। ठीक है, आपको खाली इतना बताना है। पहला दे रहा है कि अब सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। ठीक है, तो पहली बात तो यही बाहर है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो भी दावे हैं। ठीक है, ये 330 से लेकर 35 के बीच में आपको मिल जाएंगे टोटल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पहला तो यही है। दूसरा है मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, इसके लिए तो दोस्तों हमारे नीति निर्देशक तत्व में कोई बात नहीं कहा गया। ठीक है, मातृभाषा में, क्योंकि शिक्षा संबंधी जो भी, मातृभाषा संबंधी जो भी प्रावधान है ये 350 में जाकर है। ठीक है, तो 350 के आसपास इसका उत्तर होगा, और हिंदी भाषा का विकास ये भी 351 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि तीनों चीज़ें जो दे रहा है दोस्तों, ये सभी की सभी चीज़ें जो है संविधान से बाहर हैं, मतलब कि भाग 4 से बाहर हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल हैं? ठीक है, कौन से प्रावधान शामिल है, सिर्फ आपको इतना बताना है। ठीक है, सही उत्तर का जाँच करना है। पहला है कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज को अपनाने चाहिए, नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है तो फिर जो चीज़ें आपको नीति निर्देशक तत्व में बताया गया, मतलब 36 से लेकर के 51 तक बताया गया, उनको आप लागू करिए। दूसरा है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त ऐसे अन्य अधिकार जो व्यक्तियों को मिलने चाहिए, ये भी सही है। वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए, मुझे लग रहा है तीनों यहाँ पर जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। आगे है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्प्रेषण रीट की उपयुक्त परिभाषा है, बताइए। तो याद रखिए दोस्तों, न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्चतम न्यायालय या प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का आदेश देता है, यही कहलाता है आपका क्या, उत्प्रेषण रीट कहलाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, क्या होता है ना कि देखिए किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में मामला चल रहा है तो वहाँ से क्या करता है, धीरे से ऊपर बुला लेता है, भैया आवा जाओ। ठीक है, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ये होता है। आपको पढ़ाया गया डिटेल में अनुच्छेद 32 के बारे में, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग प्लेलिस्ट में चले जाएँ और पॉलिटी वाला सेगमेंट खोल करके वहाँ से देख लें। अगला क्वेश्चन था कि 2002 के 86 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन किया गया था, कौन सा परिवर्तन संविधान में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? 86 में संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए बताइए, पहला कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है, और ये प्रावधान किया गया 6 से 14 तक के लिए, और इसको मूल कर्तव्य में शामिल किया गया, मतलब 51 क जो था उसमें शामिल किया गया, या भाग 4 क जो था उसमें शामिल किया गया, दोनों बात याद रखिए। दूसरा है, राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का दायित्व तो सौंपा गया, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों अनुच्छेद 45 में बताया गया है। और तीसरा दे रहा है कि बच्चे को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, तो माता पिता का यह कर्तव्य जो है मूल अधिकार हो गया, और इसको आई थिंक 21A द्वारा घोषित होता है। ठीक है, 21A नहीं, हाँ 21A के आसपास है। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर जो तीनों हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, तीनों, 1, 2, 3, सॉरी गलती से टिक हो गया दोस्तों, वहाँ पे देख लीजिएगा। आगे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताइए। पहला दे रहा दोस्तों कि CAG के प्रतिवेदन का परीक्षण लोकसभा की प्राकलन समिति करती है, प्राकलन समिति तो नहीं करेगी यार, देखिए जो ऐसी कमेटी करेगी
जिनका संबंध जो है वित्तीय विभाग से हो, जैसे वित्तीय लेखाओं पर जो रिपोर्ट करेंगी या सार्वजनिक उपक्रमों पर जो लेखा रिपोर्ट है तो वो लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि प्राकलन समिति करेगी, प्राकलन समिति ये तो गलत है, पहला वाला तो गलत है, ठीक है। दूसरा है भारत की संचित निधि, यानी जो भारत का कॉन्सोलिडेटेड फंड है, से होने वाले धन के निर्गमन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। जाहिर सी बात है, सीएजी का कौन सा रोक टोक रहेगा भाई, सीएजी का कोई नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। इसका काम खाली परीक्षक के रूप में है, मतलब उसकी जांच करना, पड़ताल करना। आगे, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, ठीक है। तो भारत की संसद को अगर लगता है कि हाँ न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कर सकती है। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, किससे दिया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो भारत की संचित निधि से, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, इसके हेड जितने भी बड़े बड़े होते हैं सब यहीं से दिया जाता है। किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता की समिति भी कहा जाता है, ठीक है, तो किसको कहा जाता है, प्राकलन समिति को दोस्तों, अस्थायी मितव्ययिता की समिति नाम दिया जाता है प्राकलन समिति को, ठीक है। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, बताइए, जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, उस कमेटी का आपको नाम बताना है, ठीक है। सोच के बताइए, एक सेकंड रुकिए, ब्रेक। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, तो याद रखिए प्राकलन समिति में दोस्तों राज्यसभा का कोई नहीं होता, पूरा कंट्रोल जो है ये लोकसभा के पास होता है, क्योंकि मितव्ययिता से संबंधित होता है ये। आगे, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, भारत में कैसा है, तो याद रखिए एकीकृत स्वरूप है, ठीक है, और याद रखिए एकीकृत, विकेंद्रीकृत मत करिएगा, एकीकृत। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था, तो इसको विजय केलकर ने दिया था, विजय केलकर कमेटी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज निकल तो एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, तो 279A के तहत दोस्तों जीएसटी परिषद को लाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे, भारत का जीएसटी जिस देश के मॉडल पर आधारित है उसका नाम बताइए, तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है भारत का जीएसटी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा। और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन कि निम्न में से जीएसटी का प्रकार कौन सा है, तो यस जीएसटी मतलब होता है स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, IGST, ठीक है, यानी इंटर स्टेट, तो ये तीनों जो है दोस्तों जीएसटी के ही प्रकार है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है और इस वजह से साइंस वाला और इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन मैं आज ही जो है दूसरा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है, दो दो पार्ट पढ़ा के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ तो वीडियो हमारा समाप्त होता है, कोशिश करिए अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु देख पाएँ, और साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट को दोस्तों पूरा देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।